नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने विधानसभा चुनाव में एमवीए को बहुमत मिलने का भरोसा जताया है। चौहान से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि खुद इस बार सतारा की साउथ करार सीट से वो चुनावी मैदान में हैं। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनावी परिवेश की हम बात करें तो 2024 का महाराष्ट्र चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान सर से। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। काफी महत्वपूर्ण चुनाव है सर इस बार 2024 का, क्रूशियल है, क्योंकि जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थी राज्य की उसमें काफी बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में। तो कैसे देखते हैं आप इस बार के चुनाव को? चुनाव तो हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगले 5 साल कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा राज करेगी उसका फैसला होता है। इस बार भी वही हालत है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब महाराष्ट्र की जनता ने मोदी सरकार और फडणवीस शिंदे सरकार को एक करारी हार दिलाई थी, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल का एक जायजा लिया था महाराष्ट्र की जनता ने, और महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी की एक अलायंस गठबंधन है, उसे 65% लोकसभा की सीटें मिली, जबकि फडणवीस और शिव शिंदे की महायुति अलायंस को मात्र 35% सीटें मिली। उसके चलते एक उम्मीद थी कि काफी वन साइडेड जीत होगी महाविकास आघाड़ी की। हरियाणा रिजल्ट से थोड़ा सा अनपेक्षित रिजल्ट था, थोड़ा सेटबैक रहा, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में सीधी तुलना नहीं हो सकती। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, करीब करीब उसमें 6 हरियाणा समा जाएंगे, इस तरह की हालत है। और लोकसभा में भी हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर थी, 5-5 सीटें आई थी, जबकि जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में 65-35 का रिश्ता रेशियो था। तो मैं समझता हूँ हरियाणा चुनाव तो पीछे चला गया। उसके बाद इन्होंने लाडली बहना 1500 रुपये महीने देने का एक योजना बनाई, जिससे एक वातावरण बना कि शायद महिलाओं के काफ़ी वोट महायुति को मिलेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद जब हमने एक्सप्लेन किया कि ये योजना तो कांग्रेस की विचारधारा की योजना है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो विचार था उससे तहत चली हुई है, और कर्नाटक और तेलंगाना ने हमने उसको अमल में लाया है, तो 1500 कम था, 2000 तो कम से कम करना चाहिए था। लेकिन फिर कांग्रेस के अंदरूनी बातचीत में, मैनिफेस्टो कमेटी में बात हुई, दिल्ली में खड़गे जी और राहुल जी से बात हुई, और अंतिम फैसला हुआ कि नहीं, महाराष्ट्र जैसी बड़े राज्य में और विशेषकर जो किसानों की हालत है, विशेषकर जो महंगाई की मार है, उससे बचने के लिए हमको 2000 नहीं, 2100 नहीं तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक तरफ तो बीजेपी का 2100 का वादा है, हमारा 3000 का वादा है। अब मैं समझता हूँ कि इससे हमें फायदा रहेगा। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो अब अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी काफी देखने को मिल रही है, जहाँ तमाम पोस्टर लग रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो पिटेंगे, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। ये अपीजमेंट नहीं है, ये हेट पॉलिटिक्स है, इसको अपीजमेंट नहीं कह सकते। आप अगर दहशत मचा रहे हो हिंदू समाज के बीच में कि आप कटेंगे, तो ये कौन सी राजनीति है? अगर इलेक्शन कमीशन सेशन साहब का इलेक्शन कमीशन होता तो इनके तुरंत रोक लग जाती। तो ये डरे हुए हैं, चुनाव जीतना इनके लिए असंभव दिख रहा है, पावर एट एनी कॉस्ट वाली इनकी फिलॉसफी है। जिस तरह से 50-50 करोड़ देकर
विधायक तोड़े गए और सरकार बनाई गई, तो इनको अब किसी कोई लेना देना नहीं जनतंत्र के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इनको चाहिए सिर्फ सत्ता। जनता देख रही है और चुनाव में जरूर जवाब देगी। बीजेपी ने जब कल अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया तो वहीं पे रिलीजन कन्वर्जन लॉ भी लाने की बात की अमित शाह जी ने, जब उन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किया, तो किस तरह से उनके इस वादे को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि और भी तमाम वादे हैं, किसानों के लिए भी उन्होंने वादे किए हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर वादे किए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लेकर वादा तो मोदी जी ने किया था 2 करोड़ जॉब्स हर साल देने का, किसानों को वादे किए थे, उसका क्या हुआ? जैसे किसान कानून लाए गए, जो आंदोलन चला दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई किसानों का आंदोलन किसी ने देखा नहीं होगा, तो उनको वादों को कौन सीरियसली लेगा? तो ये तो बस एक है कि हिंदू समाज को वो डराने में लगे हुए हैं और शायद हिंदू वोट बटोरने में लगे हुए, आपको खतरा है, आप कटोगे, हिंदू खतरे में है, इस तरह के जो नैरेटिव चला रहे हैं। मैं समझता हूँ इंडिया बेसिकली एक सेक्युलर देश है, इस सेक्युलर देश में इस तरह की बातें करना, डर फैलाना, ये लोगों को स्वीकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ हेट पॉलिटिक्स, अब इलेक्शन कमीशन तो कुछ करती नहीं है, लेकिन लोग ही इसका फैसला करेंगे चुनाव के दिन। सिर्फ जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को इस बार फिर से जनता यहाँ पर बहुमत देगी, मगर जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल्स आए हैं, उनमें महायुति को बढ़त दिखा रही है, क्या हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ भी रिपीट हो सकता है? ओपिनियन पोल तो लोकसभा भी मैंने देखे, ओपिनियन पोल अपनी जगह है, जो भी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव कुछ और है। विदर्भ में 2 विभाग है, 2 कमिश्नरेट है, अमरावती और नागपुर, और करीब करीब 62 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ वन साइडेड कांग्रेस की बढ़त है और बीजेपी की काफी बुरी तरह से करारी हार होती दिख रही है। मराठवाड़ा में दलित, मुस्लिम और मराठा, इनका एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस पे व्यक्तिगत रूप से लोगों का गुस्सा है, जिस तरह से उन्होंने समाज को बांट दिया है, मराठा वर्सेस ओबीसी, जैसे धनगर कम्युनिटी वर्सेस आदिवासी, जैसे दलित कम्युनिटी में हिंदू दलित और बुद्धिस्ट दलित, तो ये सारी देवेंद्र फडणवीस जी की देन है और लोग समझते हैं कि ये किस तरह की राजनीति चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ उनको करारा जवाब चुनाव में मिलेगा। आप ओपिनियन पोल की बात करें तो ठीक है, अपनी जगह ओपिनियन पोल है, लेकिन लोगों का अंतिम फैसला जो 20 तारीख को होगा वो अपनी जगह है। आप चूंकि पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे भी करीब 70 सीटें हैं, और यहाँ पे जो किसानों को लेकर वादे किए हैं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, और खासतौर पर नदियों को इंटरकनेक्ट करने की बात की है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का रीजन जो है, आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती और सोयाबीन की खेती होती है, और आपका ये सतारा का जो इलाका है ये भी काफी ग्रीन एरिया कहा जाता है, तो कैसे देखते हैं बीजेपी के इन वादों को आप? देखिए, वादे बीजेपी करती है हर चुनाव में। आज सोयाबीन फार्मर की क्या हालत है, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,900 रुपए प्रति क्विंटल है, किसान को 3,500-3,600 भी नहीं मिल रहे, क्योंकि मोदी साहब ने सोयाबीन ऑयल को इंपोर्ट किया, मोदी साहब डी ऑयल केक जो सोयाबीन से बनता है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, सनफ्लावर का डी ऑयल केक इंपोर्ट कर रहे हैं, जो प्याज का किसान था जो निर्यात करना चाहता था उसके निर्यात पर रोक लगाई गई और प्याज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा, किस तरह लोग कैसे माफ करेंगे? आप कुछ भी वादे करते रहिए, जो अभी भूतपूर्व जो उनके फैसले थे, इनके नीतियां थी, वो तो किसान अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए लोकसभा में जो उनको करारा झटका लगा था। अब देखिए, प्याज का एक्सपोर्ट जो बंद था उसको हटा दिया गया है, लेकिन इस टू लेट, लोग जानते हैं कि हमको बहुत नुकसान हुआ है और मोदी जी के गलत नीतियों के कारण नुकसान हुआ है,
क्या मोदी जी को वो माफ कर देंगे, क्या बीजेपी को तुरंत माफ कर देंगे, मैं नहीं समझता। तो कई सारे लोग, क्या बेरोजगार युवा मोदी सरकार को, फडणवीस सरकार को माफ कर देंगे, क्या जो महंगाई जो हमारी माता बहने हैं उन्होंने जो 10 साल तक जो महंगाई झेली है, तो आप 1500 रुपये महीने देंगे तो क्या महंगाई भूल जाएंगे वो लोग? तो ये एक उम्मीद है कि शायद हमारी गलतियां हुई है लेकिन उसको हम सुधार सकते हैं, पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट, लोग भूल जाएंगे हमारी गलत नीतियां। मैं नहीं समझता कि किसान, युवा या जो महंगाई झेलने वाली हमारी माता बहनें उनको भूलेंगी। तो आई थिंक रिजल्ट जैसे मैं कह रहा हूँ, जो लोकसभा का रिजल्ट था उसी तरह से विधानसभा का रिजल्ट भी आएगा। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी बातें होती हैं, प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि महाविकास अघाड़ी में ड्राइवर सीट को लेकर काफी लड़ाई है, धक्का मुक्की मची। मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ये तो मैंने कहा था कि हमारी परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा दल होता है वो अपना सीएम कैंडिडेट नामित करता है, इसमें और चर्चा की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जिन्होंने इंडिया न्यूज से खास बात कर की और अभी ये अपने कैंपेन ट्रेल में भी जा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जाकर वो अपनी पार्टी और महाविकास अघाड़ी के लिए वोटों के लिए अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़।